नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज पूर्व सैनिक समाज सेवा एसोसिएशन उन्नाव के सम्मानित सदस्यों ने प्रियदर्शनी नगर उन्नाव से संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह सेंगर के आवास पर प्रदेश महासचिव संजय सिंह फौजी के मार्गदर्शन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ 1971 युद्ध के समय सशस्त्र सेनाओं में सेवारत पूर्व सैनिक सूबेदार शमशेर सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। अंशदायी चिकित्सालय निर्माण के मार्ग में तथा कथित मठाधीशों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रति पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता मुख्य रूप से शासन प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्वक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने हेतु विचार विमर्श किया गया। सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगठन को मजबूत कर समाज सेवा के कार्यों में सहयोगात्मक रूप से जनमानस के प्रति सेवाभाव एवं समर्पित होकर कार्य करने की भावना जागृत करने के लिए कार्य करें। संगोष्ठी में प्रदेश महासचिव संजय सिंह चौहान ने उपस्थित होकर कहा, वे जल्द बात करेंगे। सैनिक अस्पताल पर भी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की 32 बीघा भूमि पर सिर्फ आधा विश्वा 70 वर्ग गज में विवाद कोई ना खड़ा करे और मिलजुल कर आगे बढ़ने की समाज से अपील की। अंत में कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद एवं भविष्य की रणनीतियों पर विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में कैप्टन राधे गोपाल मिश्र, इंद्रभान पांडे, नरेंद्र सिंह चंदेल, सूबेदार मेजर शिवप्रकाश गुप्ता, विश्वनाथ सिंह, संजू कुमार मिश्र, अजय पाल सिंह भदौरिया, आज पूर्व सैनिक समाज सेवा एसोसिएशन उन्नाव के सम्मानित सदस्यों ने प्रियदर्शनी नगर उन्नाव में संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह सेंगर के आवास पर संगोष्ठी का आयोजन किया। आज पूर्व सैनिक समाज सेवा एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैनिक अस्पताल जो अपने उन्नाव में इस समय ज्वलनशील मुद्दा है, जो सैनिकों के बीच सैनिक परिवारों के बीच में काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा आ रहा है। अपना जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की जमीन पर सैनिक अस्पताल बन रहा था, हमारी जन नेताओं से भी सैनिकों की सैनिक परिवारों की जन नेताओं से भी यही अपील है कि 32 बीघे हमारे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की जमीन है, उस भूमि पर सिर्फ 700 वर्ग फुट, सिर्फ आधा विश्वा जो कि वहां कॉर्नर पे बन रहा था और 19 लाख रुपए भारत सरकार का खर्चा हो चुका है, सिर्फ उसमें जन नेता आगे आकर इस समस्या को हल कराते हुए और वहां पर सैनिक अस्पताल बनने का मार्ग प्रशस्त करें। इसके साथ साथ सैनिकों की आज जो बैठक रही, उसमें सैनिक पर हो रहे फर्जी मुकदमे और जो जमीन से संबंधित होते हैं, प्लाट से संबंधित होते हैं, उसके निराकरण में अधिकारियों की उदासीनता देखी जा रही है। मेरा अधिकारियों से यही अनुरोध है कि इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए, इन्हें अपना परिवार मानते हुए, इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एक सही दिशा मार्ग देते हुए उनका हल निराकरण